थैंक यू एवरी वन फॉर मेंटेनिंग पेशेंस एंड लिसनिंग टू मी. कोशिश करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कम से कम टाइम में दूं. आप लोगों का भी टाइम ज्यादा ना खर्च हो और मेरा भी टाइम ज्यादा ना लगे. फाइन, बट आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपको पूरा का पूरा एजुकेट कर दूं इस पूरे के पूरे सिस्टम से. आगे चलते हैं. अभी हमने बात करी प्रोविंस ऑफ कैनेडा के बारे में कि कैनेडा के अंदर कौन कौन से प्रोविंसेस होते हैं. नाउ कमिंग डाउन टू द पॉइंट कि इन प्रोविंसेस में से हमें कैसे चॉइस करना है कि हम वहां जाएं. लोग बोलते हैं अरे सर आप हमें ऑन्टेरियो भेज दो. हो सकता है कि हमारे पास ब्रिटिश कोलंबिया में ऑप्शन अच्छी हो और वो ऑन्टेरियो जाना चाहता है. अब हमारे पास किसी कोर्स के लिए हमारे पास ऑन्टेरियो में अच्छा ऑप्शन है, वो कह रहा है मुझे ब्रिटिश कोलंबिया जाना है. तो आपको पता होना चाहिए कि कहां पर अच्छा ऑप्शन है या कहां पर हमें अच्छा ऑप्शन मिलेगा. फाइन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन कैनेडा कि कैनेडा के अंदर पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. अगर हम बात करें ऑन्टेरियो की तो लगभग 40% पॉपुलेशन ऑन्टेरियो के अंदर ही बैठी हुई है. फाइन, इसका मतलब ऑन्टेरियो के अंदर पूरा का पूरा वो भरा पड़ा है, इसीलिए वहां जाम भी लगते हैं, भीड़ भी होती है. तो अगर हमारे पास ऑप्शन अच्छी है तो हम क्लाइंट को बोलेंगे भाई ऑन्टेरियो जाओ, वहां पे लोग ज्यादा है, आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेंगी, बिजनेस ज्यादा मिलेगा, जॉब ज्यादा मिलेगा और पूरा पॉपुलेटेड एरिया है, कोई फैसिलिटीज आपको कोई कमी नहीं मिलेगी. अगर हमें उसको ब्रिटिश कोलंबिया भेजना है तो हम उसको कह सकते हैं भाई ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड है भैया, वहां पर तो बहुत ट्रैफिक रहता है, जैम रहता है, आप ब्रिटिश कोलंबिया जाओ. तो हमें जहां पे हमारे पास प्रोडक्टिविटी होगी हम क्लाइंट को वहां के लिए कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि कनाडा पूरा का पूरा ही बहुत अच्छा है. और देखा जाए तो जाहिर सी बात है जहां पॉपुलेशन ज्यादा होती है वहां के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं. बेनिफिट्स, हमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है, लोग ज्यादा होते हैं तो फैसिलिटी ज्यादा मिलती है, बस सेवा ज्यादा मिलेगी, मेट्रो ज्यादा मिलेगी, कन्विंस ज्यादा इजीली मिलेगा, बट पॉपुलेटेड होगा. खुला खुला रहना चाहते हैं तो आप ब्रिटिश कोलंबिया जाइए. ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश कोलंबिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वहां भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है लोगों के पास, वो भी पूरा हैबिटेट है, हैबिटेटेड है. ठीक है, आगे चलते हैं. क्यूबेक, लोग सोचते हैं कि फ्रेंच प्रोविंस में लोग नहीं जाना चाहते, बट अगर बात करें लगभग 23% लोग क्यूबेक के अंदर बैठे हुए, 23% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन क्यूबेक. क्यूबेक के अंदर इतने लोग बैठे हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रेंच प्रोविंस में हम नहीं जा रहे. अभी सुनते फ्रेंच सुना हम नहीं जा रहे, नहीं, वहां पे भी इंडियंस बहुत है. 23% मान के चले तो 10% इंडियंस ही है वहां क्यूबेक के अंदर, जो कि इंडियंस फ्रेंच बोलते हैं. इसीलिए फ्रेंच लैंग्वेज इंडिया के अंदर ज्यादा चल रही है आजकल, लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं और लोग फ्रेंच सीखना चाहते हैं. और जिसको फ्रेंच आती है क्यूबेक उनको डायरेक्टली जॉब अपॉर्चुनिटीज देता है. अगर आप फ्रेंच में ग्रेजुएट हैं, B2 सर्टिफाइड है, वहां पर डायरेक्ट आपको एडमिशन मिल जाते हैं, डायरेक्ट आपको जॉब मिल जाती है, तो इसलिए लोग क्यूबेक भी जाते हैं. आगे चलते हैं. ब्रिटिश कोलंबिया में 13% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बेसिकली ब्रिटिश कोलंबिया में है. इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश कोलंबिया भी कम नहीं है पॉपुलेशन के सेंस. हालांकि ब्यूटीफुलनेस से देखें तो वो टॉप का है, पोटेंशियल देखें टॉप का है, लेकिन पॉपुलेशन में भी वो पीछे नहीं है, बीच में है, तो ना ज्यादा है ना कम है. इसलिए भी ब्रिटिश कोलंबिया चॉइस ऑफ प्रोविंस है आजकल लोगों की. आगे चलेंगे. एबी मतलब एल्बर्टा, फिर आपकी नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज और ये छोटे छोटे प्रोविंस आ गए, इसीलिए वहां पे लोग कम जाना चाहते हैं. और हम भी अपने बच्चों को ऐसी जगह पे नहीं भेजना चाहेंगे जैसे कि आइलैंड हो गया, न्यूफाउंडलैंड हो गया, नोवा स्कॉशिया हो गया, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी होगी. हम क्यों उनको गंदी जगह भेजें, क्यों उनको खराब जगह भेजें. अगर हम उनको खराब जगह भेजेंगे तो वो हमारे रेफरल नहीं बनेगा बाद में. हमारा रेफरल तभी बनेगा जब बच्चा वहां लैंड करते ही बोले अरे वाह मुझे कहाँ पढ़ने भेज दिया, अरे वाह क्या यूनिवर्सिटी यार उसने दी है, ये कंसल्टेंट बहुत अच्छा है. अब कुछ कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, वो कच्चे लालच में मर जाते हैं. यानी कि वो ये सोचते हैं कि हम कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पकड़ लें, एक दो यूनिवर्सिटी, उसमें ही काम करें, उसमें अपना लाख रुपए बनाएं. लेकिन उससे आपका मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे नहीं, आप उसमें स्ट्रगल करते रहेंगे कि नहीं बच्चा है बच्चा है बच्चा है, क्योंकि उस प्रोविंस उस यूनिवर्सिटी के लिए ज्यादातर बच्चे एग्रीड नहीं होंगे. तो हमें कोशिश क्या करनी चाहिए, सारी DLI यूनिवर्सिटीज लेनी चाहिए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, और उस पर वर्कआउट करना चाहिए. बच्चे को अगर हम अच्छी यूनिवर्सिटी भेजेंगे, अच्छी जगह भेजेंगे, अच्छे जॉब के साथ भेजेंगे, अच्छी सर्विस देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको उसको कहने की जरूरत नहीं है कि भैया नेक्स्ट क्लाइंट रेफर करो, वो ऑटोमेटिकली भेजेगा.
फाइन। तो इसीलिए ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक, ऑन्टेरियो, अल्बर्टा, ये चार प्रोविंस आप अपनी उंगलियों पे नोट कर लीजिए, हमें अपने बच्चों को यहीं पे भेजना है। हाँ कोई फंसी आ जाए, जैसे अभी हमारे पास एक स्टूडेंट है, मुझे नोवा स्कोशिया ही जाना है, वही तो अब वो, अब हमने उसको समझाया कि आप सर आप नोवा स्कोशिया जाना चाह रहे हो, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा वही जाना है, ठीक है भाई, तो हम उसको मना नहीं कर सकते। तो वो अच्छा, उसका भी एक रीजन बताता हूँ। छोटे प्रोविंस में कुछ पॉपुलेशन ऐसी होती है जिनको कि वीजा नहीं मिलता है। गॉट माय पॉइंट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज द थिंग्स इन डिटेल, बट मैं बताना चाहूंगा कि कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जिसको कि कैनेडा वेलकम नहीं करता है, वो लोग छोटे छोटे प्रोविंस में जाके रहने लग जाते हैं और वहां पे वो अपना पीआर करा के धीरे धीरे वो बड़े प्रोविंसेस में घुस जाते हैं, राइट। कुछ पॉपुलेशन ऐसी है, इसीलिए उनके रिलेटिव्स वहां बैठे होते हैं, तो वो लोग ट्राई करेंगे कि सर आप हमें यहाँ भेज दो, नोवा स्कोशिया भेज दो, आप हमें न्यू फाउंडलैंड भेज दो, सर वहां ना हमारा पीआर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, उनके रिलेटिव्स बैठे हैं, उनको स्पॉन्सर कर देते हैं, उनका इजी हो जाता है काम, इसलिए वो वहां जाना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, आपको वहीं भेजना पड़ेगा, भले ही आपको मार्जिन प्रॉफिट कम हो, आपको वहां भेजना, इसलिए हम भेज देते हैं। तो हम उसमें भी पीछे नहीं है, हम वहां भी लोगों को भेज रहे हैं अगर कोई हमारे साथ फोर्स करता है तो। अब हम बात करें माय डियर फ्रेंड्स की, आज से लगभग 3 महीने पहले तक मैं केवल कनाडा पे वर्क कर रहा था, अभी मेरे पास यूएस से ऑस्ट्रेलिया, यूके भी आ गए हैं, यानी कि अदर ग्लोबल ऑप्शंस विद अस नाउ वी हैव। हम रेस्ट्रिक्ट नहीं रह गया भाई कनाडा भेजेंगे, हम यूएस से ऑस्ट्रेलिया, यूके भी लोगों को भेज सकते हैं, आप लोगों को गाइड कर सकते हो। हम चार कंट्रीज में काम करते हैं, इन चारों में कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके हमारे पास। बात करें यूएसए की, तो माय डियर फ्रेंड्स ये यूएसए का मैप नक्शा आपके सामने है, इसमें कुछ कुछ एरियाज आप देख सकते हैं, जैसे कि टेक्सास, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, ओके, मोंटाना नॉर्थ, देन वॉशिंगटन डीसी, ओके, इडाहो, दीज आर सम नेम्स ऑफ प्रोविंसेस इन यूएसए। यूएसए बहुत बड़ा है और हम पूरा का पूरा यूएसए कवर कर रहे हैं, आपके टॉप यूनिवर्सिटीज हमारे पास है और सारी की सारी डीएलआई रजिस्टर्ड भी हैं, फाइन। तो ये वो एरियाज हैं जहां पे हम बच्चों को पढ़ने भेज सकते हैं, तो आपको इन प्रोविंसेस को रटना नहीं है, कुछ कुछ नाम आप याद कर सकते हो बात करने के लिए, कहीं आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, बच्चा मिलने आया है तो आपसे बात कर सकते हो, हाँ टेक्सास, हाँ नॉर्थ मेक्सिको, न्यू मेक्सिको, एरिज़ोना, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं पता करके बताता हूँ। तो आप अगर उनसे इस टर्म्स में बात करेंगे तो उनको लगेगा यस यू आर फैमिलियर विद दीज टर्म्स। तो मैं ये भी कहूंगा आपको कि आप अपने ऑफिस के अंदर इन चारों कंट्रीज के बड़े बड़े नक्शे खरीद करके लगा दीजिए चारों कंट्रीज के, ताकि बच्चा जब आए तो आप सामने दिख करके उसको बोल पाए, उसमें अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, केवल प्रोविंस का नाम होना चाहिए, जिस तरह से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो भरे भरे वाला नक्शा नहीं चाहिए, ऐसा वाला नक्शा आपके ऑफिस में लगाना चाहिए कि आपने सामने नजर डाली और डेली आप उन नेम्स को रीड करो, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, अल्बामा, मिसिसिपी, ये आपको बोलने भी आने चाहिए, ये वर्ड्स हमारे लिए थोड़े से न्यू है, हमें थोड़ा टफ लगता है शुरू में बोलने में, लेकिन वी नीड टू लर्न देम, अगर हम इनको याद करेंगे तो हम और पॉजिटिविटी से या हम और पोटेंशियलिटी से वी कैन टॉक अबाउट दिस प्रोविंसेस, फाइन। सो दीज आर दोस प्रोविंसेस लाइक यूएसए जिनके की आपको नेम्स याद करने चाहिए। आगे चलते हैं, नाउ अवर नेक्स्ट कंट्री इज यूके, सॉरी ऑस्ट्रेलिया। टू होल्ड डाउन फॉर अ मिनट, आई वुड लाइक टू वेलकम माय गेस्ट ऑफ ऑनर विद अस, शी इज डॉक्टर शिवानी शर्मा फ्रॉम गुड़गांव इंग्लिश स्कूल। डॉक्टर शिवानी पहले मिली भी हुई है हमसे, मैंने पहले जब जूम मीटिंग किया था तब मैंने इनको इंट्रोड्यूस कराया था, और हमारे साथ लकी बात यह है कि दो तीन दो फीमेल्स हमारे साथ ऐड हुई है, उनका नाम सबका नाम शिवानी है, तो माइक भी कोई नाम हमारे लिए लकी हो सकता है, शिवानी राइट शिवानी? यस सर, डेफिनेटली डेफिनेटली, आई थिंक माय वॉइस इज इकोइंग अ बिट, देयर समथिंग रॉन्ग विद द नेटवर्क एट माय सेंटर, ओके, या नो वरीज, but you we can hear you clearly, okay that's wonderful. I would like to request Shivani from Gurgaon
टू स्पीक फ्यू वर्ड्स एंड हाउ शी इज एसोसिएटेड इन आवर बिजनेस, और वो हमें हमारे बिजनेस में किस तरह से हेल्प करती हैं, और हमारे मुजफ्फरनगर के सेंटर को वो किस तरह से हेल्प करेंगी या कर रही हैं, उसके बारे में भी शिवानी आप अपनी थोड़ा सा हमें डिटेल बताइए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एट सच अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। So, as sir has introduced me already, I'm Shivani Sharma. I'm the director of the English School. And the privileged part is that I'm also born and brought up in Muzaffarnagar. So, I have that innate relationship with this place, like Dr. Khurana do. And then we here at the campus train people for various proficiency tests, jitne bhi English exams hain. बाहर जाने के लिए या फिर अगर आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं, हम उसके लिए ट्रेन करते हैं स्टूडेंट्स को। और मिस्टर खुराना हमें वीजास में और बहुत सारी चीजों में, ही इज एन आईएएस मेंटर टू, सो ही हैज ऑलवेज बीन अ सपोर्ट, सोर्स ऑफ सपोर्ट, अ मेंटर एंड ऑफ कोर्स अ गाइड टू अस। सो वी आर वर्किंग हैंड इन हैंड। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट से रिलेटेड, इंग्लिश आपको करना है, आपको इशू आ रहा है बी इट रिलेटेड टू प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश, वोकैबुलरी, एनीथिंग, वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर इट। और हमने कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स रन किए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम चाहिए और उनको लगता है प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है इंग्लिश में, जो हमें भी इनफैक्ट लगता है। तो आप हमें उस स्पेशल प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिटेल्स आपके साथ आफ्टर दिस मीटिंग आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू। Thank you very much, Shivani. Thanks a lot. I was heard clearly and I was heard clearly. Voice is not echoing. No, it was not at all. Yes, it was perfectly fine. Yeah. मैंने शिवानी फ्रॉम गुड़गांव को आप लोगों से इसलिए इंट्रोड्यूस कराया थी कि ये एक टीम वर्क है। कुछ लोग जो वर्क करते हैं वो आपको अपनी लीड्स के साथ इंट्रोड्यूस नहीं कराते हैं, वो हाइड करके रखते हैं चीजों को, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं। उससे क्या होता है, वो उनको लगता है कि अगर हम अपनी लीड्स को छुपा के रखेंगे ना, हमारा बिजनेस चलेगा, हमारे पास इनकी गर्दन रहेगी, हमारे पास लूपहोल रहेगा। बट वो गलत सोच है। आप जितना ओपन होंगे उतना सामने वाला आप पे ज्यादा ट्रस्ट करेगा, आपके साथ ज्यादा जुड़ना चाहेगा, आपके साथ ज्यादा बिजनेस करेगा। इसीलिए मैं सब कुछ ओपन रखता हूँ कि नहीं, हम सब कुछ ओपन रख के चलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको यकीन नहीं होगा, ये सारे के सारा जो हमारा परिवार बना है ये मुजफ्फरनगर का ही है। शिवानी जो है ये भी मुजफ्फरनगर की पढ़ी है, और ये मनप्रीत खुराना मेरा जो ब्रदर है उसके साथ 10 साल इकट्ठे पढ़ी है, बैचमेट है, और शी इज वेरी गुड इन इंग्लिश। और ये गुड़गांव में अपना इंग्लिश स्कूल रन कर रही है, हमारी एसोसिएट है, हमारी ब्रांच हेड है गुड़गांव की, और बहुत अच्छे से इन्होंने हमें क्लाइंट्स भेजे हैं। लगभग 10-15 क्लाइंट्स पर मंथ का इनका रेशो मिनिमम हमारे साथ है, मिनिमम बता रहा हूँ, उससे ज्यादा भी रहता है। और इनके पास एविएशन ऑफ कनाडा का पूरा प्रोडक्ट इनके पास है। पीटरसन पीटीई जो पर्सनालिटी प्रोग्राम्स होते हैं उनकी ये ऑथराइज्ड फ्रेंचाइज है। और इनको मैंने इसलिए जोड़ा है कि मेरा टारगेट रहेगा मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, जानसठ, ये पूरा का पूरा एरिया जो है, यहाँ पे हम पहले बच्चों को इंग्लिश सिखाएंगे, फिर ट्रेन करेंगे, फिर आइल्स क्लियर कराएंगे, फिर बाहर पढ़ने भेजेंगे। ये हमारा मोटिव रहेगा। यानी कि हमारा टारगेट 12th स्टूडेंट, बैचलर स्टूडेंट्स, मास्टर स्टूडेंट्स तो है ही, लेकिन हम 9th क्लास के बच्चे को, 8th क्लास के बच्चे को भी टारगेट कर लेंगे अभी कि भाई हमारा इंग्लिश स्कूल है गुड़गांव में, आप हमारे से इंग्लिश सीखो। शिवानी हम ये टोटल हम इसमें नहीं घुसते हैं, ना हम इंटरफेयर करेंगे बच्चे से कि बच्चे को कैसे समझाना है, कैसे कन्विंस करना है, क्या सिखाना है। हम सिर्फ ये बोलेंगे कि हमारे पास इंग्लिश के प्रोग्राम्स है, हमारी शिवानी गुड़गांव से हेड है, वो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगी ताकि हमारी हेडेक कम रहे। जी सर, साथ में सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, आपने बिल्कुल ठीक बताया एविएशन के लिए। मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, हमने रिसेंटली एक एयरलाइन है नेपाल की जिसको अभी एस्टेब्लिश किया है इसी सेंटर से, न्यासा एविएशन LLP हमारी जो मेन कंपनी है एविएशन में भी डील करती है, और साथ में डॉक्टर खुराना की मदद से हमने इंग्लिश स्कूल भी अपना एस्टेब्लिश किया। एविएशन वाला जो वर्टिकल है उसमें हम पायलट ट्रेनिंग से लेकर एयर होस्टेस ट्रेनिंग, कोई भी बच्चा है जिसको लग रहा है एविएशन में जाना है, उनको हम जॉब्स में भी हेल्प करते हैं। इंग्लिश पर ही खत्म नहीं हो जाता है। अगर आप अब्रॉड नहीं जाना चाहते, देन ऑल्सो यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स हियर। हम आपके इंटरव्यूज कराएंगे, ग्रूमिंग करेंगे, एंड विल बी हेल्पिंग यू आउट विद द एविएशन वर्टिकल टू।
वेरी गुड या सो आई मीन टू से कि हम लोग मिलजुल के सब लोग काम करेंगे तभी कुछ अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा. फाइन. तो गुड़गांव से हमारे पास एक बहुत अच्छी लीड है शिवानी जो है. तो अगर हमें कोई गुड़गांव का क्लाइंट है तो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं और हम डिफरेंट एरिया से बैठे अगर हम सब लोग कनेक्टेड रहेंगे तो हम अपने स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं हमारा देहरादून में सेंटर है, मुजफ्फरनगर में आप इनसे मिल लीजिए. तो उससे हमारी ऑथेंटिसिटी और बढ़ेगी और हम एक जैसे स्पाइडर का जाला होता है ना वेब, वैसे हमें एक वेब बनाना पड़ेगा, अपनी नेटवर्किंग करनी पड़ेगी. बिजनौर में भी मैं ऑलरेडी दो लोगों को जोड़ चुका हूँ जो कि डॉक्टर्स हैं, एक पीडियाट्रिशियन है और उनकी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है. नेक्स्ट मीटिंग में मैं उनको एड ऑन करूंगा अंडर मुजफ्फरनगर टीम. मैं मुजफ्फरनगर टीम से उनको जोड़ दूंगा ताकि वो लोग मुजफ्फरनगर टीम से एसोसिएट रहे और मुझे कम से कम हेडेक हो, मेरे को सारी चीजों को कोऑर्डिनेट ना करना पड़े. तो मैं डॉक्टर शिवानी फ्रॉम मुजफ्फरनगर और रेडी करनवाल अंकल से अनुरोध करूंगा कि वो वहां की लीड्स का ध्यान रखेंगे आने वाले टाइम में. फाइन. तो उनको भी हम नेक्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराएंगे आप लोगों से. तो बेसिकली इंग्लिश स्कूल को जोड़ने का मतलब यह है कि हम गाँव गाँव में इंग्लिश स्पीकिंग भी लॉन्च करना चाह रहे हैं. और मैंने शिवानी से बैठ के साथ एक पैकेज बनाया कि शिवानी 1000 रुपए 1500 रुपए महीना पे आप शुरू करो इंग्लिश, ताकि गांव का बच्चा भी आपकी इंग्लिश सीख पाए. क्योंकि वहां जो गांव में बच्चा सीखते हैं वो 1500-2000 रुपए महीना पे करते हैं लेकिन उनका मेंटर बिल्कुल बेकार होता है, उसे खुद ही इंग्लिश नहीं आती है. तो हम चाहेंगे कि उनको अच्छे मेंटर्स प्रोवाइड करें, हमारे मुजफ्फरनगर के जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं से हम उनको एजुकेट कराएं. ईच वन टीच वन की हम उसको लेके चलेंगे. फाइन. अब हम अपने बिजनेस की तरफ आगे चलते हैं जो प्रेजेंटेशन था. थैंक यू शिवानी फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम. थैंक यू वेरी मच. ओके. अब हम बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के बाद यूएसए के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आपको थोड़े थोड़े प्रोविंसेस के नाम पता होने चाहिए, जैसे कि न्यू साउथ वेल्स, क्यूंसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. मोटा मोटी बात करें ऑस्ट्रेलिया में हम ऐसे बात करते हैं कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाना है आपको, नॉर्दर्न टेरिटरी में जाना है. उसमें कोई बहुत ज्यादा आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, एकदम बीच बीच में आपको एजुकेट करते रहेंगे कि अगर कोई हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का बंदा पढ़ने आता है तो नॉर्दर्न टेरिटरी में उसके प्रोफाइल के हिसाब से कौन कौन से कॉलेजेस हम उसको दे सकते हैं, वो ऑप्शंस मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा. फाइन. तो दिस इज अबाउट ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया से आगे बात करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो कंट्री है वो है यूके. यूके के अंदर बहुत सारी कंट्रीज है जैसे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, साउथ वेल्स, ये सब वो नेम्स हैं जो हमारे टिप्स पे होने चाहिए. इसका भी जब आप मैप अपने ऑफिस में लगा लेंगे तो धीरे धीरे आपको इनकी नॉलेज हो जाएगी कि ये प्रोविंसेस हैं, ये चीजें हैं जहां पे हम बच्चों को पढ़ने भेज सकते हैं. फाइन. इन इन जगहों पे हम बच्चों को पढ़ने भेज सकते हैं. ये यूके की वो चीजें हैं, ये वो प्रोविंसेस हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हमारा शुरू होता है, यानी कि अब तक हमने बात करी कनेडियन एजुकेशन के बारे में कि कनाडा के कौन कौन से प्रोविंसेस होते हैं, कैसे हमें बच्चों को प्रोविंस पसंद कराना है, कहाँ पे ज्यादा भेजना है, कौन कौन सी कंट्रीज हमारे पास है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, ये है डाटा टू बी शेयर्ड विद अवर एसोसिएट्स. माय डियर फ्रेंड्स एंड एसोसिएट्स, काइंडली नोट डाउन, ये डाटा आपको मेरे से लेना है. अगर मैं कहीं भूल जाऊं, कोई पॉइंट मिस कर दूं, तो आप प्लीज मुझे बाद में रिमाइंड करा के मेरे से ये डाटा जरूर कलेक्ट कर लें. नंबर वन, लिस्ट ऑफ स्कूल्स इन ऑल फोर कंट्रीज. इन चारों कंट्रीज में हमारे पास लगभग 15,000 से 20,000 यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स हैं जिसमें हमारा टाई अप है, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे. 4 महीने पहले ये स्कोर केवल 2000 था, 2000 यूनिवर्सिटीज थी मेरे पास, आज 15,000 से 20,000 हो गई हैं, जहां पर कि आप अपने स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं. एंड इवन यू कैन अर्न मनी, पैसा भी बनाएंगे, खाली भेजेंगे नहीं, पैसा भी बनाएंगे, लेकिन फैसिलिटीज अच्छी देंगे, सर्विसेज अच्छी देंगे और मार्जिन कम रखेंगे. आगे चलते हैं, लिस्ट ऑफ कोर्सेज इन ऑल कॉलेजेस. इन सभी कॉलेजेस के अंदर कौन कौन से कोर्सेज कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में उपलब्ध है, उनकी लिस्ट आप मेरे से जरूर कलेक्ट करेंगे जो कि मेरे ऑथराइज्ड एसोसिएट्स होंगे. ये डाटा हम केवल उनको शेयर करेंगे जो हमारे ऑथराइज्ड एसोसिएट्स होंगे, सबके साथ हम ये डाटा नहीं शेयर करेंगे, इसलिए मैंने अपनी पीपीटी में ये डाटा नहीं डाला है. बट यस, अगर आपको डाटा चाहिए तो
आप हमारे एसोसिएट्स बनिए, हमारे साथ जुड़िए, हम आपको ये डाटा लीक कर देंगे या शेयर कर देंगे। आगे चलते हैं, लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड स्कूल्स इन कैनेडा। हमारे पास कैनेडा के कुछ सिलेक्टेड स्कूल्स हैं जो कि हमारे पास हैं, जहां पर हम बच्चे को टैट यानी कि टर्न अराउंड टाइम लेस देन 4 डेज, लेस देन 10 डेज के अंदर हम ऑफर लेटर्स उनको दे सकते हैं एंड वी कैन गेट अवर रेफरल्स वेरी सून। हम जल्दी से उसमें हमें रेफरल्स मिल सकता है। नेक्स्ट आ गया लिस्ट ऑफ स्पेशल यूनिवर्सिटीज। ये वो स्पेशल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि मैं केवल उन लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि हमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें देंगे। जैसे कि किसी ने हमें महीने में 5 बच्चे दे दिए तो उसको हम ये लिस्ट ऑफ स्पेशल यूनिवर्सिटी शेयर करेंगे और हम उनका शेयर होल्डर भी उनको इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारे बेनिफिट्स के बारे में। अब आपको हमारे साथ बिजनेस करके या इस बिजनेस में जाकर के आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इतना ही नहीं, हम केवल स्टडी वीजा में काम नहीं करते, पीआर परमानेंट रेजिडेंसी, पीएनपी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, एलएमआईए लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट अप्रूव्ड वर्क परमिट या एंटरप्रेन्योर वीजा में भी हम लोग काम करते हैं, लेकिन केवल कनाडा के लिए। ये वाली ऑप्शंस ओनली फॉर कनाडा। लास्ट पॉइंट, फेसबुक वीडियो, आईएलटीएस का डिटेल एंड फॉरेन लैंग्वेजेस का डाटा भी आप मेरे से शेयर करेंगे। आप मेरे से पूछ लेंगे, मैं आपसे शेयर करूंगा, बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब पहले हम बात करेंगे कि आपको कोई भी स्टूडेंट आता है आपके पास तो आपको उसको प्रोसीड कैसे करना है, आपको आगे कैसे बढ़ना है, आगे कैसे बढ़ना है। कोई भी स्टूडेंट आपके पास आता है उसको हैंडल कैसे करना है, यहां से आपकी क्लास स्टार्ट होती है, यहां से आपका वर्क स्टार्ट होता है जिस पे आपको टारगेट करना है, हिट करना है और बहुत ध्यान से काम करना है इस चीज में। अगर आप इस चीज को समझ के चलेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं तो आप बहुत जल्दी से अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। फाइन, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सेलेक्ट द स्टूडेंट। सबसे पहले आपको स्टूडेंट सेलेक्ट करना है कि वो मास्टर्स है या वो बैचलर्स है या वो 12th पास है, तो मैं कौन से बच्चे को सिलेक्ट करूं भेजने के लिए, ये आपको पता होना जरूरी है। ऐसा नहीं हो किसी का 15 साल का गैप है, आपने सिलेक्ट कर लिया स्टूडेंट के लिए भेज दो, उसका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी वैल्यू मार्केट लेवल्स मार्केट गुडविल्स विल गो डाउन। तो इनिशियली जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स पे काम करिए जिसपे भी आपको जल्दी रिजल्ट मिले और आपका वीजा 100% एश्योर्ड हो और रिजल्ट आना चाहिए, तभी आपका नाम होगा। इमिग्रेशन में शुरू के 10 केस आपके पॉजिटिव जाने चाहिए तभी आप फ्लरिश कर सकते हो। अगर आपका फेलियर होता है तो आपका नाम भी उसी तरह से खराब हो जाता है, खास करके छोटे एरियाज में, खास करके जो मुजफ्फरनगर में काम कर रहे हैं अभी करेंगे और भी लोग, उनको ये ध्यान रखना है कि सिलेक्शन ऑफ द केस सही होना चाहिए। नेक्स्ट हो गया, बच्चे के पास परमिट है या नहीं है, ये आपको उससे पूछना है। डज ही हैव अ स्टडी परमिट। इसका मतलब ये है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स आपके पास ऐसे भी आ सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी स्टडी परमिट है और वो कहते हैं जी मैं टोरंटो में हमारी लड़की पढ़ रही है जी, हम उसको वैंकूवर शिफ्ट करना चाहते हैं, आप एडमिशन करा दो, तो हम उसको भी एडमिशन करा सकते हैं। यानी कि इंटरचेंज अंदर ही अंदर कनाडा के अंदर भी हम इमिग्रेशन बच्चे को माइग्रेट करा सकते हैं एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में। तो आपको ध्यान रखना है बच्चे के पास वीजा है या नहीं है। फाइन, थर्ड पॉइंट, अब आप मुजफ्फरनगर में काम करेंगे तो ये मत सोच के चले कि आप मुजफ्फरनगर में काम करेंगे, आपको ऊपर उठना है, जाहिर सी बात है। हो सकता है आपके स्टूडेंट्स मुजफ्फरनगर से जाकर के कल को वो अपना दुबई का रेफरल, अफ्रीका का रेफरल आपको दे दे कि पीयूष जी आपने मेरे भतीजे का काम कराया था, भाई एक हमारा भतीजा जो है अफ्रीका में पढ़ रहा है यार, उसका भी काम कराओ। फाइन, तो आपको स्टूडेंट की नेशनैलिटी पता होना भी बहुत जरूरी है। नेशनैलिटी मतलब सिटीजनशिप उसके पास कहाँ की है, क्या वो स्टूडेंट इंडिया का है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया का है, क्या वो अफ्रीका का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 99.9% स्टूडेंट्स विल बी फ्रॉम इंडिया ओनली, आपके पास केवल इंडिया वाले ही आएंगे, तो नेशनैलिटी मोस्टली इंडियंस होंगे बट आपके पास दूसरी कंट्री से भी लोग आ सकते हैं, ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बनता है एजुकेशन कंट्री का आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये होता है कि कई बार बच्चा इंडिया का है और ऑस्ट्रेलिया से पढ़ गया है 12th, या उसने बैचलर्स ऑस्ट्रेलिया से करी हुई है या सिंगापुर से करी हुई है, अब वो कनाडा जाना चाहता है,
दिस थिंग्स मैटर्स, ये मैटर करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी ने वो इंटरनेशनलिटी है, एजुकेशन कंट्री कौन सी है, ये आपको नोट करना है। ये पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा कि प्रोफेशनली आपको कैसे काम करना है, ये हमारी नेक्स्ट मीटिंग में बात करेंगे। आज मैं आपको केवल एजुकेट करूंगा कि काम किस तरह से करना है। तो आपको उसकी एजुकेशन कंट्री पता होनी चाहिए कि वो कौन सी कंट्री से एजुकेटेड है। नेक्स्ट, उसका एजुकेशन लेवल क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। वो नाइन्थ पास है, वो ट्वेल्थ पास है, वो बैचलर्स है या वो मास्टर्स है, ये आप नोट करेंगे अपने पास कि बेटा आप अपना एजुकेशन लेवल बताइए। फिर हम उससे पूछेंगे उसका ग्रेड्स क्या है, 70% प्लस है या 60% से नीचे है या 50% वाला है या 30% वाला है। हमारे पास ऑप्शन सबके लिए है, बिलो 50% भी ऑप्शन है और 70% से ऊपर भी ऑप्शन है। जिसकी परसेंटेज अच्छी है स्कॉलरशिप मिलेगा, जिसका परसेंटेज कम है हमारा सपोर्ट मिलेगा, जिसकी परसेंटेज बहुत कम है वो आप समझ सकते हैं कि वो क्या करेगा। हम उसको भेज देंगे, उसको भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसमें, आप लोग खुद समझदार है, कुछ दिमाग आपको भी लगाना है बाद में, और मुझे पता है आप लोग लगाएंगे और लगाना भी चाहिए, इसलिए इन दिमागों को जोड़ा जा रहा है साथ में। फाइन, नेक्स्ट चलेंगे। इंग्लिश एग्जाम चाहिए, वो पीटीई पास्ड है या डुओलिंगो किया हुआ है या आईलिट्स किया हुआ है या आइल्स बोलते हैं इसको, आइल्स किया हुआ है। फाइन, इसीलिए आजकल खैर पीटीई का बहुत ज्यादा प्रमोशन हो रहा है, जिससे कि आप डायरेक्टली वीजा भी मिल रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है आइल्स हो, पीटी के थ्रू भी हम उसको वीजा करा सकते हैं कुछ कुछ कोर्सेज के लिए, नॉट फॉर ऑल बट फॉर क्यू कोर्सेज उसमें वो एलिजिबल होता है। इसीलिए हमने शिवानी को फ्रॉम गुड़गांव जोड़ा है कि उनके पास पीटी का पूरा ऑथराइज सेंटर है और हम उसको भी प्रमोट कर सकते हैं। फाइन, आगे चलते हैं। यहां पर समझ आ गया, किसी का कोई सवाल, क्वेश्चन, एनी क्वेरीज? नहीं, कनाडा के लिए भी चल रहा है आजकल, अब स्टार्ट हो गया, पहले नहीं था। डेफिनेटली कि अगर परसेंटेज काफी कम है लेकिन फिर भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होता है जाने में, तो क्या ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि नॉन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को ले लेती हैं? मतलब वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं होती हैं, उनका उनकी जो ग्रेडिंग अगर हम लोग देखें तो वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में नहीं काउंट होती है, वो किसी भी कंट्री की हो तो उन, लेकिन कैंडिडेट की अगर जिद होती है कि नहीं मुझे उस कंट्री में जाना ही है पढ़ने के लिए, तो क्या ऐसी किसी यूनिवर्सिटी से हम टाई अप कर सकते हैं जहां पे ही कैंडिडेट जा सके? ऑलरेडी है हमारे पास हमारे पास ऑलरेडी है, ये जो मीटिंग हमारी शायद एंड होने वाली है, दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, कोई बात नहीं जब एंड हो जाएगी। हमारे साथ जो रवनीत मैडम और दीपेंद्र जी बैठे हैं, इनका खुद का कॉलेज है कनाडा में। अरे वाह, या तो ये सब चीजें हम धीरे धीरे डिस्क्लोज करते चले जाएंगे आप लोगों को कि हमारे पास हर उसके लिए है फैसिलिटी। अगर बच्चे की परसेंटेज कम भी है तो भी हम उसको बाहर भेज सकते हैं। हमारे पास वीर जी, दीपेंद्र जी जो है ये ऐसी जुगाड़ आदमी है कि ये बच्चे की परसेंटेज कम है तो ये कहते हैं तुसी मेनू भेज दो, मैं भेजवा दूंगा, तां भी भेज दूंगा। जे आईएस का स्कोर काट होगा तां भी भेज देंगे, ठीक है जी। उन्हें सानू तो सारे चाहिए ना, हमें हर तरह का डिपार्टमेंट चाहिए, तो कम परसेंटेज वाले बच्चों को भी हम लोग कैनेडा में जुगाड़ करो है गैप है। प्रीत मान, मैं तुम जाने नहीं, तुसी लाइक from where did you get the link? Okay, no worries. ठीक है, जिनका गैप ज्यादा है उनके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। वो जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होंगे ना, पहले हम उनको टारगेट नहीं करेंगे, हम पहले सिंपल केसेस को टारगेट करेंगे, उसके बाद आपके पास अगर कोई कॉम्प्लिकेट केस आएगा तो उसको कैसे डील करना है उसके बारे में भी हम बिजनेस के टाइम पे बात करेंगे। फाइन, जब हम फाइनेंशियल डिस्कस करेंगे सारे के सारे पॉइंट्स हम वहां पर डिस्कस करेंगे, कोई भी पॉइंट हम मिस नहीं करेंगे। और आप लोग नोट भी कर लीजिए, जैसे हमारी टीम में लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो हम लोग उनकी इंक्वायरीज को क्लियर करेंगे बाद में। चलते हैं आगे। वेल, जब बच्चा आपके पास आएगा स्टूडेंट पहला, तो आपको यह देखना है कि वो ग्रेड 9 का है, ग्रेड 10 का है
टेंथ पढ़ा है, ट्वेल्थ पढ़ा है, या उसके पास वन ईयर पोस्ट सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोई कोर्स उसने किया हुआ है, या उसने दो साल का अंडर ग्रेड डिप्लोमा किया हुआ है, या तीन साल का अंडर ग्रेड एडवांस डिप्लोमा किया हुआ है, या उसने बैचलर्स किया हुआ है, थ्री इयर्स बैचलर्स और फोर इयर्स बैचलर्स, व्हाटएवर दे हैव गॉन फॉर, या उसने पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा किया हुआ है, सर्टिफिकेट है उसके पास, या उसके पास मास्टर्स डिग्री है, या उसने पीएचडी या एमडी कर रखा है, ये सारी की सारी क्वालिफिकेशंस वाले स्टूडेंट को हम बाहर पढ़ने भेज सकते हैं। फाइन, हम इन सबको बाहर भेज सकते हैं, चाहे वो ग्रेड 9 का हो, 10 का, 11 का, 12 का, यहां से लेकर के डॉक्टोरल डिग्री तक भी अगर बच्चा होगा तो हम उसको बाहर पढ़ने भेज देंगे। फाइन, अब हम अपनी क्लास आगे चलाते हैं। स्कूल्स, बेसिकली अब हम स्टडी करेंगे कि कनाडा के स्कूल्स हाउ डू दे वर्क। तो मैं आपको बताऊं, चार कंट्रीज हमारे पास है, कनाडा, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। स्टार्ट करते हैं कनाडा से। तो कनाडा के अंदर एजुकेशन के बाद पोस्ट ग्रेड वर्क परमिट की बात की जाती है, यानी कि आपके पास बच्चा पढ़ने आते हैं तो आप कह सकते हो भी तो अगर कनाडा जाएगा तो ध्यान रखिए तेरे को पोस्ट ग्रेड वर्क परमिट मिलना चाहिए, तभी जाना चाहिए, टू ईयर्स या थ्री ईयर्स या वन ईयर, जो भी कोर्स के हिसाब से होता है, ठीक है। अगर उसने एक साल का कोर्स लिया है तो एक साल का वर्क परमिट मिलेगा, दो साल का कोर्स लिया तो दो साल या तीन साल का वर्क परमिट मिलेगा। वर्क परमिट का मतलब होता है जब वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगा उसके बाद उसको काम करने की ओपन परमिट मिलेगा, वो 80 घंटे काम कर सकता है। माय पॉइंट, 80 घंटे वो काम कर सकता है। यूएसए के लिए क्या होता है, वहां पे पोस्ट ग्रेड वर्क परमिट नहीं होता है, वहां पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होती है, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स। वहां पे जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको बाद में ग्रेजुएशन के बाद ट्रेनिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है, इस बात का बच्चा पूछता है आपसे और उसको पता होना चाहिए। अगर आप बच्चे को पहले बोलोगे कि तुम यूएसए जा रहे हो तो हम आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएंगे कोर्स के बाद, जनरली कंसल्टेंट्स नहीं देते हैं बट हम प्रोवाइड करेंगे। यूके के अंदर पोस्ट ग्रेड वर्क वीजा होता है, ठीक है, वहां पे परमिट नहीं होता है, वर्क वीजा। वहां पे आपको दो साल का परमिट मिलता है, तीन साल का परमिट मिलता है, फिर आपको वहां की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, तभी आपको वहां की सिटीजनशिप मिलती है, वरना वापिस आप इंडिया आके रह लो। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मिलता है आपको टेम्परेरी ग्रेड वीजा, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद आपको वहां पर टेम्परेरी वीजा मिलेगा, उसको टेम्परेरी वीजा मिलती है, यानी कि पढ़ने के लिए भी टेम्परेरी वीजा मिलेगा और बाद में काम करने के लिए भी टेम्परेरी वीजा मिलता है, या 6 महीने का मिलता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन कंट्रीज के अंदर आपको किस किस तरह से वीजा मिलता है काम करने का, क्या फैसिलिटीज होती है और किस तरह से आपको स्टूडेंट से बात करनी है, इसके लिए आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए। फाइन, नेक्स्ट। अब स्टार्ट करते हैं कि हम कनाडा के अंदर, यूके के अंदर, यूएसए के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हम बच्चे को ऑफर कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे ईएसएल का कोर्स हम उसको ऑफर कर सकते हैं। ईएसएल का मतलब होता है इंग्लिश एज एन सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश पढ़ने भी बच्चा बाहर जा सकता है। अब जैसे शिवानी फ्रॉम मुजफ्फरनगर ने अभी पूछा, जसप्रीत अगर किसी की परसेंटेज कम है तो उसको हम कैसे भेजेंगे, तो हम उसको बेसिकली शिवानी हम इंग्लिश पढ़ने भेज सकते हैं। अब कॉमन सेंस लगाओ, वीजा ऑफिसर को अगर मैं ये बोलूंगा कि भाई ये जो है इंग्लिश का रीडिंग सेक्शन करना चाहता है वहां से, तो जाहिर सी बात है उसको वीजा मिलेगा, 30% वाला बच्चा है, 40% वाला, उसे इंग्लिश पढ़ने भेज दो, तो उसे आईएलटीएस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। नहीं, आईएलटीएस इसलिए नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वो इंग्लिश ही पढ़ने जा रहा है, ठीक है। फिर हम उसको डुओलिंगो से उसको कॉलेज का एडमिशन करा देते हैं, एक छोटा सा इंग्लिश टेस्ट होता है, वो छोटा सा टेस्ट का प्रिपेयर करा के उसको करा देते हैं और फिर हम उसको इंग्लिश पढ़ने के लिए भेज देते हैं। फाइन, ये होता है। नेक्स्ट हो गया वन ईयर पोस्ट सेकेंडरी सर्टिफिकेट, टू ईयर अंडरग्रेड डिप्लोमा। ये आप सब नोट कर सकते हैं कि ये कोर्सेज हम स्टूडेंट्स को ऑफर कर सकते हैं वहां के लिए कनाडा में, कि तेरे को हम डिप्लोमा दिला देते हैं। अब जैसे आपने सुना होगा कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं, सर हमें ना एक एडवांस डिप्लोमा मिल रहा है,